हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में अद्वि कैपिटल एलटीडी शेयर के बारे में बात करेंगे। जो शेयर का प्राइस है वो 3.83 रुपये है और इस शेयर ने आज 0% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर हम 5 दिन पहले की बात करें तो 5 दिन पहले जो शेयर है उसने 2.68% के रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में शेयर ने 6.09% के रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 6 मंथ में जो शेयर है उसमें 6.59% की जो है गिरावट आई है। ईयर टू डेट में देखें तो ईयर टू डेट में जो शेयर है उसने 6.09% के रिटर्न दिए हैं। मैक्स में ऑल टाइम की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम में जो शेयर है उसने 268.27% के रिटर्न्स दिए हैं। शेयर के बिट क्वांटिटी और आस क्वांटिटी की बात करें, जो शेयर का बेइंग प्रेशर है वो 106 है और जो शेयर का सेलिंग प्रेशर है वो 1000 है। यानी कि जो शेयर का सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा है बेइंग प्रेशर से। इस शेयर को ज़्यादातर आज लोग सेल कर रहे हैं, इसलिए आप देख ही सकते हैं जो रिटर्न्स है आज शेयर के वो कुछ भी नहीं मिले हैं। इस शेयर के बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और बीटा की बात करें, जो शेयर की बुक वैल्यू है वो 1.28 है, वहीं जो फेस वैल्यू है वो 1 है और बात करें शेयर की बीटा की तो वो 0.51 है। यानी कि जो शेयर की बुक वैल्यू, फेस वैल्यू है वो दोनों तो पॉजिटिव है, लेकिन जो शेयर का बीटा है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। जो शेयर का बीटा है वो मीडियम है। इस शेयर के डिलीवरी एंड वॉल्यूम की बात करें, जो शेयर की वॉल्यूम है आज की वो 4 लाख की है, यस्टरडे की 4 लाख, 1 वीक एवरेज की 34 लाख और 1 मंथ एवरेज की 25 लाख। इस शेयर की जो डिलीवरी है यस्टरडे की वो 3,78.45% की है, 1 वीक एवरेज की जो डिलीवरी है वो 19,54.22% की, 1 वीक एवरेज की जो डिलीवरी है वो 17,68.08% की है। यानी कि जो शेयर की वॉल्यूम है आज की वो 4 लाख है। इस शेयर में आज के दिन 4 लाख जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए थे। शेयर के रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करें, जो शेयर का पहला रेजिस्टेंस है वो 3.91 रुपये है, दूसरा रेजिस्टेंस 4 रुपये है और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 4.05 रुपये है। इस शेयर का जो पहला सपोर्ट है वो 3.77 रुपये है, दूसरा सपोर्ट 3.72 रुपये है और जो तीसरा सपोर्ट है वो 3.63 रुपये है। शेयर के शेयर होल्डिंग की बात करें, जो प्रमोटर है उसके पास इस शेयर की 7.89% की शेयर होल्डिंग है, FII के पास 0.91% की और जो पब्लिक है उसके पास इस शेयर की 91.19% की शेयर होल्डिंग है। तो इस शेयर की ज़्यादातर शेयर होल्डिंग्स जो है वो पब्लिक के पास है और प्रमोटर के पास थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग है और जो सबसे ही कम शेयर होल्डिंग्स है वो FII के पास है।